हेलो रिवान वेलकम टू फार्मा रोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे निमेसुलाइट टैबलेट्स के बारे में तो हम जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में फिर स्टडी करेंगे उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी जिसके अंदर उसके मेकेनिज्म के बारे में हम सीखेंगे उसके डोज क्या रहते हैं फिर उसके जो वार्निंग्स होती है कि किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने के और स्पेशली जो निम्सुलर्ड्स के लिए जो वार्निंग्स है कॉन्ट्रा इंडिकेशन से वो सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एज वेल एज़ उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे और ये जो आता है कैटेगरी नॉन स्टेरइड एंटी इन्फ्लैमेटरी ड्रग्स उसको भी हम जानेंगे कि ये मेडिकेशन के जो क्लास है वो स्पेशली किसके लिए यूज होता है और कौन से अलग अलग डिसीज डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है तो टाइटल लेड के अकॉर्डिंग टू तो आप अलग अलग इसके फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कि उसके जो अलग अलग टैबलेट्स है कि निम्सू के जो डिस्पर्जिबल टैबलेट्स कि जिसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं आप हंड्रेड एम है निम्सुलड के यहाँ पे भी डिस्पर्जल टैबलेट है डी लिखा है दैट इज़ कि डिस्पर्जिबल टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ है पचास एम जी फिर ये जो एबोट का जो है नेमेसुलाइड का फॉर्मूलेशन उसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं हंड्रेड एम का है एंड नेमेसुलड का कॉम्बिनेसन पैरासीटामल के साथ काफ़ी फेमस है और पैरासीटामल के साथ उसके जो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलेशंस भी आप देख सकते हैं तो जानते हैं ये मेडिकेशन के बारे में डिटेल में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमरसर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बीइंग वन लैक फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन यूज़ कर सकते हैं ऐप फार्मारॉक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर नेपल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मरॉक्स गूगल प्ले स्टोर पर से अगर आपके पास आईफोन है तो एप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो सबसे पहले जानिए निमेसुलाइड टैबलेट्स के बारे में तो जो मेन मेडिसिन है निमेसुलाइड तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम कहते हैं निमेसुलाइड तो वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और उसके जो प्रॉपर्टीज हम कहें तो पेन रिड्यूसिंग मेडिकेशन है स्पेशली एंड ऑल्सो है फीवर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो मेडिकल टर्म्स के अंदर हम कहें तो एनालिसिक एंड एंटी पायोरेटिक कैटेगरी के अंदर ये आएगा और साथ में उसके पास है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन एनालजेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन और वो अपना काम किस तरह से करती है तो हमारे बॉडी के अंदर रहा जो केमिकल पी जी मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिंग उसके सिंथेसिस को करेगा इनहिबिट और ये कैसे इनहिबिट करेगा तो बाय इनहिबिट द कॉक्स टू कि जो साइक्लो ऑक्सीजनिस टू हम कहते हैं उसको इनहिबिट करेगा इन वीकली इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की जिसके कारण जो मेडिएटर्स है कि पेन के लिए मेडिएटर्स है इन्फ्लामेशन के लिए जो मेडिएटर्स है फीवर के लिए जो मेडिएटर्स है वो मेडिएटर्स को ब्लॉक करके वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें प्रोवाइड करता है तो यहां पे देखिए कि निमेसुलेट क्या करता है इनहिबिट करता है कॉक्स टू एंड पी तो कॉक्स टू किस तरह से इनहिबिट होता है तो जो अराचिडोनिक ओसिड होता है वो एक तो कॉक्स वन को यूज करके प्रोस्टाग्लैंडिन को फॉर्म कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जब कॉक्स वन इन्वॉल्व होता है और उस वक्त जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है हीमोस्टेसिया के अंदर एंड जी आई म्यूकेसल प्रोटेक्शन के अंदर बट कॉक्स टू के कारण फॉर्म होने वाला प्लोस्टाग्लैंड क्या करता है मेडिएटर बनता है पेन के लिए मेडिएटर ऑफ पेन मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन एंड फीवर तो अब समझो कि आप नेमेसुलाइड टैबलेट देने के बाद कॉक्स टू को इनहिबिट कर दोगे तो इस तरह से ये प्रोसेस होगा देखिए कि निमेसुलाइड जो है आपकी टैबलेट वो क्या करेगी ये पाथवे को कर देगी ब्लॉक यहाँ से ये कम्प्लीटली हो जाएगा ब्लॉक तो कॉक्स टू को यूटिलाइज करके जो अराचिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंड बनवा बनाता था वो यहाँ पे हो जाएगा बंद अब प्रोस्टाग्लैंड नहीं बनेगा तो जो पेन मेडिएटर्स जो थे वो भी इनहिबिट हो जाएंगे धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा जिसके कारण पेशेंट को पेन होना कम होता जाता है साथ में इन्फ्लेमेशन भी धीरे धीरे कम होता है एंड रिड्यूस होता है और सेम फीवर बिकॉज कि फीवर भी गायब होगा पेन भी कम हो जाएगा एंड इन्फ्लेमेशन और उसके लिए ज़रूरी है ये कॉक्स टू को इनहिबिट करना एज वेल एज़ आगे जाके रिड्यूस करवाना प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को तो इस तरह से हमारी ये मेडिकेशन अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है तो प्रोस्टाग्लैंड जो है केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जो फॉर्म होता है उसके फंक्शन ऐसे है कि डायरेक्टली कोज द पेन कि पेन कोज करने में वो एक रिस्पॉन्सिबल बनता है उसके अलावा सेकंड हम देखें तो एनहांस द पेन इंड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन कि ब्रेडिकाइनिन की जो इफेक्ट्स होती है कि जो पेन को इंड्यूस करता है उसकी एक्टिविटी को एनहांस करवाता है ये साथ ही इंड्यूस करवाता है फीवर मेडिएटर बनता है पेन के लिए एंड इनफ्लामेशन एंड फीवर तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं रहेगा या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन ही धीरे धीरे कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पर्सन का जो फीवर है पेन सेंसेशन है इन्फ्लामेशन वो रिड्यूस होते जाएंगे उस तरह से ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है निमेसुलाइड तो इट इज़ अप्रूवल इंडिकेशंस आर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेन निम्सुलट का जो बेसिक यूज हम जाने तो एक्यूट पेन जो होते हैं उसके अंदर उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है कि उसके अंदर समझो कि इन्फ्लामेशन हो रहा है पेशेंट को पेन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है प्राइमरी डिसमेनोरिया के अंदर कि जहाँ पे पीरियड्स पेन है एबडोमिनल पेन है इन एडोलसन एंड एडल्ट्स अबउ द ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड तो ये कंडीशन ख़ास यहाँ पे निमेसुलाइड के लिए फॉलो करनी है कि जो पेशेंट की एज होगी वो अबव द ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड मतलब कि 12 साल से कम के जो पेशेंट हैं उनको ये मेडिसिन नहीं देनी उसके बारे में भी हम आगे जानते हैं एंड साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड द सीरियस लीवर प्रॉब्लम कि अगर कोई ओवर डोज होता है एक्सेसिव यूज़ होता है तो नेमेसुलाइड के कारण सीरियस लीवर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके वार्निंग्स के बारे में हम जाने तो व्हाट आर द वार्निंग्स ये खास आप अच्छे से समझिए कि वार्निंग्स जो है वो समझना जरूरी है अबाउट द नेमेसुलाइड तो नेमेसुलाइड एक्सपोजेस पेशेंट टू फैटल लीवर डैमेज मतलब कि ऐसा लीवर डैमेज कि जो जानलेवा हो सकता है आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है कि जिससे आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जो हम कहते हैं कि सीरियस लीवर डैमेज और लीवर की जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि जो लीवर हमें प्रोवाइड करवाता है मेटाबॉलिज्म को कि जो अच्छे से जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं उसको मेटाबोलाइज करने में लीवर का अच्छा रोल है तो लीवर डैमेज होता है तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है जिसके कारण आगे जो हमें खाना खाने के बाद मेटाबॉलिज जो होता है खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जो एनर्जी मिलती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लीवर डैमेज होने के कारण तो बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जिसके अंदर इसके ओवर के कारण एक्सेसिव यूज़ के कारण लीवर डैमेज होता है और उसके कारण इसको कैटेगराइज किया जाता है एज अपेटोटॉक्सिक ड्रग्स की जो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स की जो लिस्ट होती है उसके अंदर ये प्रायोरिटी बेस पे है नेमेसुलाइड इट मस्ट बी अवॉइडेड यहाँ पे देखिए मस्ट लिखा है मतलब कि छोटे बच्चों को ये देना ही नहीं है बिलो द ट्वेल्व एंड पीपल विथ लीवर प्रॉब्लम और फ्लू लैग सिम्टम्स जिनको फ्लू लैग सिम्टम्स है जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है और ऐसे पेशेंट के जिनकी एज लेस देन ट्वेंटी है एज ट्वेल्व ईयर्स और उससे कम है तो ऐसे लोगों को भी आपको नहीं देना है एंड द गवर्नमेंट हैज़ बैन द पेडियाट्रिक यूज बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑन लीवर गवर्नमेंट ने भी उसको बैन किया है एंड एडवाइजरी टू ऑल डो नाट यूज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो ट्वेल्व ईयर ऑफ एज कि बारह साल या फिर उससे कम ऐज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर उसको यूज़ नहीं करना है डो नाट यूज़ तो ये एक ख़ास एडवाइजरी को फॉलो करना है सभी को और एज अ फार्मासिस्ट भी सभी को अवेयर करना चाहिए कि निमे सुलड को खासकर छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए एंड अंडर द एज ऑफ 12. Because of the risk of liver damage. तो फेब्रुवरी 12, 2011 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार जो यूनियन मिनिस्ट्री थी उन्होंने डिसाइड किया टू सस्पेंड द पेडियाट्रिक यूज ऑफ एनालिस नेम्सुलाइड एंड टू बैन इट तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 2012, 2011 के अंदर फ़ेब्रुवरी 12 को ये आर्टिकल जो है वो रिलीज हुआ था और उसके अकॉर्डिंग टू जो यूनियन मिनिस्ट्री तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो पीडियाट्रिक यूज़ है नेमोसुलड का उसको जो है वो बैन करना चाहिए फ्रॉम टेन मार्च ट्वेंटी इलेवन नेमोसुलड फॉर्मुलेसन्स आर नॉट इंडिकेटेड फॉर ह्यूमन यूज़ इन चिल्ड्रन बिलो ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज तो ये एक ख़ास था डिसीजन बाय द गवर्नमेंट बट ऑन सितंबर 13, 2011, मद्रास मद्रास हाईकोर्ट रिवॉक ए सस्पेंशन ऑन मैन्युफैक्चरर एंड सेल पीडियाट्रिक ड्रग्स निम्सुलट एंड फिनाइल प्रोपेनोला माइन तो ये कॉन्ट्रावर्सीज हुई थी 2011 के अंदर अबाउट द निम्सुलाइट बट जो उसके जो वार्निंग्स है जो हम जो कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो ओवरकम नहीं कर सकते हम तो ये एडवाइजरी रहती है कि जो बिलो द ट्वेल्व इयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर नेमेसुलाइड को यूज़ ना करें तो उसके इंडिकेसनस हम देखें तो शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर भी इसको दिए जाते हैं साइनसाइटिस के अंदर डेंटल सर्जरी के बाद जो पेन होता है उसको रिड्यूस करवाने के लिए इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवाने के लिए बर्सीटाइस के अंदर फीवर के अंदर लो बैक मतलब कि जो बैक पेन जो आपको होता है वहाँ पे लोअर बैक पेन के अंदर फिर डिसमेनोरिया पोस्ट ऑपरेटिव पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड एज अ एक्टिविटी ये उसके है अलग अलग इंडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स जाने तो कंटिन्यूस यूज ऑफ निमेसुलाइड मोर देन 15 डेज मे ओज द फॉलोइंग साइड इफेक्ट कि कंटिन्यूस पंद्रह दिन तक आप समझे कि उसको यूज़ करते हैं तो उसके कारण जो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर फर्स्ट कि डायरिया हो सकता है उसके बाद आप देखो तो पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा होता है स्किन के ऊपर ये रैसेस डेवलप होना स्टार्ट होता है कि आप यहाँ पे ये यह स्किन देखे स्किन के ऊपर आपको रैसेस देखने को मिलेंगे इस तरह से तो ये एक साइड इफेक्ट डेवलप होती है एक्सेसिव या फिर ओवर डोज के कारण ऑफ निमेसुलाइड उसके बाद है कि इचीनेस होती है वहाँ पे डिजीनेस फील करता है पर्सन किस तरह से ये जो आप देख सकते हैं डिजीनेस की कंडीशन एंड लास्ट देखे तो बिटरनेस इन माउथ कि जो बिटरनेस जैसा आपको फील होता है माउथ के अंदर कि ये मेडिकेशन खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि माउथ के अंदर बिटरनेस जैसे कड़वाहस हो जाती है तो ये एक उसके मेजर साइड इफेक्ट्स हम कह सकते हैं और आगे जाने उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो डू नॉट यूज फॉर फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन एंड एज ग्रुप जैसे कि इट्स शुड बी एवॉइडेड बाई चिल्ड्रन अंडर द ट्वेल्व ईयर ऑफ एज की अंडर ट्वेल्व के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए तो एवॉइड ही करना है उसके अलावा तो छोटे बच्चों के अंदर उसको कंप्लीटली करना है एवॉयड तो ये यहाँ पे हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिस्ट में डाल देते हैं सेकंड पीपल विथ लीवर प्रॉब्लम और ट्रू लाइक सिम्टम कि यहाँ पे एक तो नेमे से लड़को हमने कॉन्ट्राइंडेट कर दिया फॉर द चिल्ड्रंस बट साथ ही प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान भी उसको हमें यूज़ नहीं करना है तो जिनको लीवर डिसीज़ है कि ये इस तरह से हेल्दी लीवर होता है बट जब ऑलरेडी लीवर डिसीज़ है तो उस वक्त ये देने से और लीवर ज़्यादा ख़राब हो सकता है ऑलरेडी ये लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट तो करते ही है बट लीवर डिसीज़ के दौरान समझो कि किसी को हम देते हैं तो ये कॉम्प्लीकेशंस हो सकता है रिनल फेलियर हो सकता है तो रीनल फेलियर के बेसन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसको यूज नहीं करना है एंड जिनको ऑलरेडी लिवर टॉक्सिसिटी है हिपेटिक फेलियर के जो पेशेंट हैं ये सभी पेशेंट के केसेस में उसको यूज़ नहीं करना है तो डू नॉट यूज़ फॉर द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन एंड एज ग्रुप तो ये ख़ास ध्यान रखिए कॉन्ट्राइडिकेशनस तो अब जानते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेमेसुलाइड बिकॉज कि हमारे पास ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन है कंपेयर टू नेमेसुलाइड की जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है रिस्क भी कम है और वो जो है वो पेडियाट्रिक पेशेंट को भी दे सकते लाइक पैरासीटामल का जो कीड़ है पैरासीटामल कीड फॉर्मुलेशंस पैरासीटामल के पेडियाट्रिक सस्पेंशंस आते हैं तो वो सब प्रेफरेबल है फीवर वग़ैरह के अंदर तो अल्टरनेटिव टू नेमसुलेट हम बेस्ड हम कहें तो सबसे पहले है बेस्ट दैट इज पैरासीटामोल सेकंड है उसके अल्टरनेटिव में वो है एसिक्लोफेनिक के जो टैबलेट्स वगैरह हो होते हैं कि आपको पेन सेंसेशन है तो एसिक्लोफेनक अच्छा रहता है बेस्ट रहता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम है कंपेयर टू द नेमेसुलाइड और तीसरा अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं कि आईबूब्रोफेन टैबलेट्स की ये भी काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स आपको देगा कंपेयर टू निमेसुलड एंड दे ऑल्सो नसेड्स कि ये तीनों मेडिकेशन नॉन सीरो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की है एंड उनके पास भी एनालिस्टिक एंटीपायरेटिक एंड एंटी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस है तो इसके कारण आप ये तीनों मेडिसंस को यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव टू तो द निमेसुलाइड तो ये एक एज अ फार्मास नॉलेज जरूर से स्प्रेड करना चाहिए कि निमेसुलाइड के वार्निंग्स और उसके सेफ यूर और साथ ही साथ उसके जो अल्टरनेटिव है कि जिससे आप निमेसुलाइड से समझो कि ठीक नहीं होता या फिर उससे आपको डर है कि ज़्यादा साइड इफेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते तो उनके लिए बेस्ट है ये पैरासीटामोल तो बेस्ड है ही बट साथ ही एसिक्लोफेनिक एन आईब्यूब्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग जरूर से वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए एंड शेयर करके वैल्यू पर कमेंट्स करिए ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स नंबर एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एव फार्मर रॉक्स, सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट